राधा रुक्मणी की प्रतिमा के साथ कृष्ण मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी भक्त के साथ कृष्ण का मंदिर किसी ने ना देखा होगा ना ही सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में देख और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक मंदिर ऐसा भी है जहां कान्हा की प्रतिमा राधा रुक्मणी के साथ ना होकर उनकी सबसे बड़ी भक्त मीरा के साथ है। देश का ये इकलौता मंदिर है जो 422 वर्ष पुराना है। मीरा के कृष्ण प्रेम से जुड़ी कथाओं से कौन परिचित नहीं है, लेकिन देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मीरा बाई भगवान कृष्ण के साथ विराजित हैं और यहां दोनों की पूजा की जाती है। राजस्थान के जयपुर में आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर 422 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ आकर आराधना करने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। इतिहास के अनुसार जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने 14 साल के बेटे कुंवर जगत सिंह की याद में 1599 में मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। 9 साल चले निर्माण कार्य के बाद ये 3 मंजिला भव्य मंदिर 1608 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई। जगत शिरोमणि मंदिर जितना अधिक आस्था का केंद्र है उतना ही भव्य, कलात्मक और सुंदर भी है। इस मंदिर के अंदर का मंडप एक लालिमा दिए है, जिसकी वजह इस मंडप का निर्माण लाल पत्थरों से किया जाना है। मंदिर में कृष्ण मीराबाई के साथ चतुर्भुज भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में एक प्राचीन पालकी भी है। दुल्हन स्वरूप मीराबाई की प्रतिमा को इस पालकी में बैठाकर मंदिर में विवाह के वक्त लाया गया था। आज भी देश विदेश से भक्त सिर्फ एक झलक के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। मंदिर का भव्य तोरण द्वार देखते ही बनता है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी के आरंभ के महामेरु भवन की एक सटीक मिसाल है। मंदिर का गर्भगृह जालीदार खम्ब वाले मंडप से बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक मंडप प्रासाद में उनके वाहन गरुड़ भगवान विराजित हैं। सुंदर संगमरमर के पत्थरों से बने सुंदर तोरण के द्वार भी यहाँ देखे जाते हैं। दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमा है। यहाँ दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय की मान्यता रखता है। मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि वर्तमान में भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा स्थापित है वो वही प्रतिमा है जिसका चित्तौड़गढ़ में विवाह के बाद मीरा पूजा करती थी। ये भी बताया जाता है कि इस प्रतिमा को मेवाड़ पर आक्रमण करने वालों ने खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद इस प्रतिमा को जगत शिरोमणि मंदिर में लाया गया। राजस्थान के इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं। इसके मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित है वो वही है जिसकी आराधना करते हुए मीराबाई कृष्ण की भक्ति के गान गाया करती थी। बताया जाता है कि कई बार बाहरी मेवाड़ में आक्रमणकारियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रतिमा को बचा लिया गया। मंदिर में वर्षों पुरानी पालकी आज भी मौजूद है और दुल्हन स्वरूप में मीराबाई आकर्षण का केंद्र है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।